अब हम आपको बताते हैं कि जीमेल कैसे करते हैं। आप लोग सबने मेल आईडी क्रिएट कर ली है ना, तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि मेल लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जीमेल खोल लेती हूँ। जीमेल खोलने के बाद सबसे फर्स्ट मेरे पास एक्चुअली 3-4 अकाउंट है, तो मैं अपना यहाँ गई और मैनेज अकाउंट है, तो अभी मैं इस अकाउंट से आपको मेल लिखना सिखाऊंगी। इसमें पहले पेज पर क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो इससे हम लिखना शुरू कर देंगे, मेल कंपोज करना शुरू हो जाएगा, तो ये मैं बाद में बताती हूँ। ये फर्स्ट खुलेगा हमारा मेन्यू और देखिए इसमें क्या क्या है। ऑल इनबॉक्स, मतलब मेरे 3-4 अकाउंट है तो सब इनबॉक्स में क्या क्या है। ये प्राइमरी है, जो मेरा प्राइमरी अकाउंट है उसका सोशल, जैसे फेसबुक वगैरह के मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं कुछ पेजेस के जो मेरे ज़रूरी हैं, तो उसके आएंगे। फिर है प्रमोशनल मैसेजेस। प्रमोशनल मैसेजेस वो होते हैं, प्रमोशनल मैसेज नहीं सॉरी ईमेल वो होते हैं जैसे कंपनी ईमेल मार्केटिंग करती है ना, तो वो भेजती है, तो वो अपने आप इसमें चले जाते हैं। अपडेट के लिए ये है, आप अपडेट कर सकते हैं। फिर आता है फोरम, तो फोरम भी बहुत सारे हैं, उनमें आप खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे क्लब्स हैं, मैगजीन्स हैं उनके जो मेरे बने हुए हैं। फिर ये स्टार, अगर कोई मैसेज आपको इम्पॉर्टेंट है, सॉरी मैसेज ईमेल इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको स्टार करके रख लीजिए। स्नूज, आप ईमेल में टाइमर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपने तैयार करके रख लिया और कितने बजे भेजना है। इम्पॉर्टेंट, ये वाला करने से आपके जो इम्पॉर्टेंट मेल्स हैं वो हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट में चले जाएंगे। सेंट, आपने कौन कौन से मैसेज सेंट किए हैं, भेजे हैं, वो इसमें जाएगा। और यहाँ आप शेड्यूल करके रख सकते हैं अपने सारे ईमेल अकाउंट को, जो लोग बहुत ज़्यादा ईमेल यूज़ करते हैं उनके लिए। अब आपको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको, अब हम मेल्स को डिलीट करना सीखते हैं कि हमारे पास बहुत मेल आ गए और उनको डिलीट करना है। तो हम मेल पे यहाँ फिंगर रखेंगे और देखिए यहाँ डिलीट बॉक्स आया, यहाँ हमारा मैसेज डिलीट हो गया। अंडू करना है तो तुरंत में ये हो जाएगा, बहुत बाद में नहीं होगा। अब हमारा यहाँ आ गया मेल, ये मैंने आपको बताया कि मेरे क्या क्या हैं, तो इसमें ये मैंने बता दिया। अब यहाँ आता है कंपोज करना, कंपोज का मतलब लिखना। तो टू में मैं जाऊँगी मनीषा जी को मैं मेल लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी मनीषा, क्योंकि मैं इनको बहुत मेल करती हूँ इसलिए ये मेरा आया हुआ है manishasurat@gmail.com। तो मैंने इसको यहाँ कर लिया। सब्जेक्ट में मेरा टॉपिक है ई ज्ञान वीडियो, तो मैं यहाँ कर ली। अब मेरा कंपोज मेल, तो ये देखिए कर्सर यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिखूँगी I am done with videos। ये हम दोनों की भाषा है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा सारा ईमेल तैयार हो गया तो देखिए अपने आप ये टिक, ब्लू टिक आ गया, ये सेंड है, ये अटैचमेंट है। अब ये अटैचमेंट में टच करूँगी तो इसमें देखिए कैमरास में मेरे जितने भी ये देखिए फ़ोटोज़ हैं, मैं कोई भी चाहूँ, जैसे मैं अगर बताना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली इनको ये बताना चाहती थी कि एप्पल वॉच के मैंने सारे वीडियोज़ बना लिए हैं, तो एप्पल का वो करके और मैं ये यहाँ भेज दी। तो ये अटैचमेंट अपलोड हो रहा है, मैं इनको बता रही थी, तो एक बार मैंने आपको बताने के लिए ये वाला दे दिया। अब ये ओके कर दीजिए और यहाँ सेंड कर दीजिए। तो ये प्राइस की फ़ोटो के साथ आपका वीडियो चला मेल चला गया मनीषा जी को। अब हम आपको बताते हैं सीसी क्या होता है। तो सीसी ये होता है कि ये जो सेम मेल है मुझे 3-4 लोगों को सेम करके भेजना है, तो हम अलग अलग एड्रेस और वो सबको हम सेम मेल कंपोज कर करके नहीं भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो मनीषा जी हैं इनको मैंने टच किया, ठीक से टच करेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं, हल्का सा 2-3 सेकेंड का। फिर इसको यहाँ करेंगे तो देखिए सीसी और बीसीसी आया। बीसीसी इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, पर सीसी में हम सब जितने अगर 5 लोगों को भेजे हैं तो हम देख सकते हैं 5 लोगों ने रिसीव किया कि नहीं, इसीलिए मोस्टली यूज़ सीसी होता है।
तो अब मैं सीसी को टच करूंगी, तो अब मैं इसको, ये सेम मैं एनकेएस को भी भेज रही हूँ, तो मैं उनको भी भेज दूंगी। देखिए सेम मेल है ना, इसी तरह हम बार बार और भी लोगों को भेज सकते हैं। और यहाँ पे सेंड।